हेल्थ ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी सीफेयर्स के लिए, स्पेशली डेक वालों के लिए। सो आप लोगों को मालूम ही होगा, जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हो, जीपी रेटिंग कर रहे हो, उस टाइम पे भी हेल्थ ऑर्डर का पढ़ाई वगैरह आता है। तो उसमें आप लोगों के बहुत सारे डाउट होंगे, लाइक स्टडी बोल दिया देन क्या करना है, स्टडी एज शी गोज मतलब क्या करना है, पोर्ट 5 बोला तो क्या करना है, स्टारबोर्ड 5 बोला तो क्या करना है। ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों को ब्रिज पे ले जाके वहाँ पे कैसे ऑर्डर दिया जाता है और आप लोगों को कैसे व्हील देना है, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊँगा। एंड बहुत सारी चीज़ें लाइक हेल्थमैन इंडिकेटर किसको बोलते हैं और कहाँ रहता है, रडर एंगल इंडिकेटर कैसा रहता है और कहाँ रहता है, थ्री फेस रडर एंगल इंडिकेटर कहाँ रहता है और कैसा दिखता है, ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली वहाँ पे ले जाके दिखाने वाला हूँ। सो और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक आप लोगों को थोड़ा बहुत जो चीज़ें ध्यान रखना है वो कैसे रखोगे, लाइक स्टेयरिंग मोटर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा, हैंड टू ऑटो में कैसे डालना है, ऑटो टू हैंड में कैसे डालना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, एंड मैनी मोर थिंग्स आप लोगों को आज की इस वीडियो में पता लगने वाली है। सो हेलो गाइज, मैं वल्केश सोलंकी एंड यू आर वॉचिंग मरीन ज्ञान इट्स अ सी फेयर्स वॉइस। सो फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें बता देता हूँ लाइक ऑर्डर के बारे में। अगर स्टडी बोला तो क्या करना है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं स्टडी बोलने के बाद जिस कोर्स पे स्टडी बोल दिया वहाँ पे वापस लाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। स्टडी बोलने के साथ आप लोग जितना जल्दी रोक सकते हो वेसल को उतना जल्दी स्टडी करना है वेसल को, और जो कोर्स पे स्टडी हुआ है वो कोर्स अराउंड आपको स्टडी करना है और रिपोर्ट करना है। और कुछ ऑर्डर्स के बारे में बताऊँगा, लाइक बहुत सारे पायलट्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स दिए जाते हैं, मतलब ऑर्डर्स तो सेम ही है लेकिन उनके वहाँ का सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं, जैसे हार्ड टू पोर्ट बोल दिया या फिर हार्ड पोर्ट बोल दिया या फिर विल टू पोर्ट बोल दिया या फिर फुल टू पोर्ट भी मैंने सुना है। मैं क्लास 10 साल से हूँ, उसमें से कम 7 साल से मैं एबी हूँ, तो मैंने ये ऑर्डर भी सुना है कि फुल टू पोर्ट। तो आप लोग को फुल पोर्ट, फुल टू पोर्ट ये सब में आपको हार्ड पोर्ट व्हील लेके जाना है, या फिर आप लोगों को जो भी डाउट है सीधा कैप्टन को पूछ सकते हो ताकि कैप्टन फिर से पायलट के साथ इंटरेक्ट करके आपको ऑर्डर बताएगा। ये सभी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ईजी टू पोर्ट या फिर ईज टू पोर्ट ये सभी चीज़ें क्या है वो सभी चीज़ें भी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और लाइक नथिंग टू पोर्ट बोल दिया या फिर नथिंग टू स्टारबोर्ड बोल दिया देन आप लोगों को क्या करना है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए। रिपोर्टिंग वाला वीडियो मैं एक और बनाने वाला हूँ जिसमें बहुत ही डीपली आप लोगों को सभी चीज़ें समझाऊंगा, लाइक आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, डिपार्चर से पहले कैसे क्या देखना है और जब ट्रैफिक है तब क्या क्या चीज़ें देखना है लाइक स्टेयरिंग मोटर्स वगैरह का। सो वो वीडियो भी बनाने वाला हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, एंड आपके जो भी डाउट्स है मुझे अपने इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरा आईडी है marine_can619। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आप लोगों को फिलहाल ले चलता हूँ ब्रिज पे। गाइज हम लोग फिलहाल आ गए हैं ब्रिज में या फिर आप बोल सकते हो व्हील हाउस में आ गए हैं, और ये जो चीज़ आप पूरा देख रहे हो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेयरिंग कंसोल। और मैं आप लोगों को कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता दूंगा, लाइक इसको बोलते हैं हेल्प्समैन इंडिकेटर। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा मैं यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास जो कि यहाँ पे डिजिटल है, सो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक कंपास। दूसरे जहाज में डिफरेंट टाइप के भी रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जायरो कंपास जो कि इस वेसल पे डिजिटल है, और ये सभी हेल्प्समैन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसा कि स्टेयरिंग इम्पोर्टेंट है, सो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग दो चीज़ देख सकते हो, ROT और रडर लिखा हुआ है, जिसमें से ROT मतलब रेट ऑफ टर्न, वो कितनी स्पीड से वेसल घूमता है पोर्ट या स्टारबोर्ड वो आप लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड वाला जो डिजिटल रडर एंगल इंडिकेटर है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑटो पायलट
कैसे डाला जाता है, हैंड बोट में कैसे रखता है, एनएफयू में कैसे रखता है। सो आप लोग फिलहाल देख रहे हो ये हैंड बोट में है। जैसे आप लेफ्ट साइड कर दोगे एचसी की तरफ, मतलब ऑटो पायलट मोड में हो जाएगा। एंड आप जैसे ही राइट साइड कर दोगे एनएफयू मींस नॉन फॉलो अप मोड में हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, ये जो आप स्क्रीन जो डिस्प्ले देख रहे हो ये है हमारा डिजिटल कोर्स इंडिकेटर। इसमें आप कोर्स भी देख सकते हो, और ऑटो पायलट मोड में जब कर दोगे तब आप ये वाले नॉब से ऑटो पायलट में ही कोर्स चेंज कर सकते हो। जो कि इम्पोर्टेंट है वो है हमारा थ्री फेस रडर एंगल इंडिकेटर। ये ऐसा इंडिकेटर रहता है जहाँ पे फ्रिज में से कहीं से भी आप रडर का एंगल देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सीलिंग में जो रहता है फिटेड रहता है रडर एंगल इंडिकेटर, तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है। और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेंगे हम लोग, जैसे कि स्टेयरिंग मोटर इंडिकेशन आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक स्टेयरिंग मोटर रन कर रहा है, मतलब एक ऑन है। सो ये है स्टेयरिंग मोटर इंडिकेशन, दोनों चालू होगा तो दोनों में रन दिखाएगा। और सेम आप लोगों को स्टेयरिंग मोटर दिखा देता हूँ कि कहाँ से ऑन ऑफ किया जाता है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह से स्टेयरिंग मोटर का पैनल रहेगा, उसमें आपको एक बटन प्रेस करना रहेगा, उससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। जो कि जानने वाली चीज़ है वो ये है, यहाँ पे जायरो रिपीटर है, उसके ऊपर एक रिंग देख सकते हो, इसको बोलते हैं एज्यूमेट सर्कल। इससे हम लोग बेयरिंग वगैरह लेने के लिए यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट आप लोग जो देख रहे हो ये है जायरो रिपीटर, इस यहाँ पे आप कोर्स देख सकते हो। नाउ हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है हमारे हेल्म्स ऑर्डर। पोर्ट 5, स्टारबोर्ड 5, पोर्ट 20, स्टारबोर्ड 20, हार्ड पोर्ट, हार्ड स्टारबोर्ड आप लोगों ने सुना होगा, मिडशिप सुना होगा, ईस्ट टू 10। सो ये वाले सब ऑर्डर्स में आप लोगों को प्रैक्टिकली कैसे होते हैं वो सभी करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि आप लोगों को विल देने के बाद कब रिपोर्ट करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आगे मैं आप लोगों को सब चीज़ें समझाता हूँ। आप लोगों को जैसे ऑर्डर मिलेगा पोर्ट 5, आप लोगों को पहले रिपीट करना है पोर्ट 5 सर। हेल्म्समैन इंडिकेटर को आपको हेल्म देना है पोर्ट 5 पे, एंड रिपोर्ट करना है व्हील ऑन पोर्ट 5 सर। सेम लाइक आप लोगों को मिडशिप बोला, आप लोगों को रिपीट करना है मिडशिप। हेल्म्स को देना है अपना जो इंडिकेटर है उस पर मिडशिप करना है, एंड आप लोगों को रिपोर्ट करना है व्हील ऑन मिडशिप सर। ये सिंपल सी चीज़ें थी अभी तक के लिए, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जब कभी भी हेल्म देते हो तो आप लोगों को क्विक रिस्पॉन्स मिलता है हेल्म्समैन इंडिकेटर में, लेकिन आप लोगों को रिपोर्ट कब करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पे हेल्म देने के बाद रडर एंगल इंडिकेटर को देखना है। रडर एंगल इंडिकेटर में जब वो आपने पोर्ट 20 या स्टारबोर्ड 20 दिया है, वहाँ पे अगर नोब पहुँचता है उसका मतलब तब आप लोगों को रिपोर्ट करना है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर वो चीज़ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे पोर्ट 30 पे मैंने हेल्म्समैन इंडिकेटर दे दिया है, वो फटाक से आपने क्विक रिस्पॉन्स देख लिया, लेकिन अभी टाइम डिले आप देख सकते हो, यहाँ पे रडर एंगल इंडिकेटर में अभी जस्ट अभी पहुँचा है। तो ऐसे ही सेम मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ, मेरा हेल्म्समैन इंडिकेटर मैंने 10 पे रख दिया है, पोर्ट 10। आप लोग देख रहे हो रडर एंगल इंडिकेटर को आने में टाइम लगता है, सेम देख रहे हो मैंने मिडशिप कर दिया है। तो वैसे ही हेल्म्समैन इंडिकेटर को और रडर एंगल इंडिकेटर को देखना ज़रूरी है। अभी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो स्टारबोर्ड 20 पे रखा है हेल्म्समैन इंडिकेटर, और रडर एंगल को आने में कितना टाइम लगता है आप लोग देख सकते हो। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे स्टारबोर्ड 10 पे भी आप लोगों को करके दिखाया, अभी मैंने यहाँ पे मिडशिप कर दिया है तो रडर एंगल देख सकते हो आने में टाइम लगता है। यहाँ पे फिर एक चीज़ आप यही सेम चीज़ देख लीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे पोर्ट 20 किया है, यहाँ पे देख सकते हो अभी तक नहीं पहुँचा है, अभी जस्ट अभी पहुँचा है। जो यहाँ पे रडर एंगल इंडिकेटर पहुँचता है तभी आप लोगों को रिपोर्ट करना ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो मिडशिप मैंने कर दिया है, रडर एंगल अभी भी मिडशिप नहीं पहुँचा है। सो जैसे ही मिडशिप पहुँचता है तब आप लोगों को रिपोर्ट करना है कि व्हील ऑन मिडशिप सर। सो नेक्स्ट ऑर्डर है यहाँ पे इज टू 10, इज टू 5, इज टू 20 आप लोगों ने सुना होगा। वैसे ही सेम यहाँ पे मैं आप लोगों को पोर्ट साइड में दिखा रहा हूँ, स्टारबोर्ड और पोर्ट जो भी साइड है। जैसे मैंने यहाँ पे पोर्ट 30 पे व्हील रखा है, रडर एंगल भी पोर्ट 30 पे दिख रहा है, पायलट आपको बोलेगा इज टू 10, मीन्स आप लोगों को पोर्ट है तो पोर्ट, स्टारबोर्ड है तो स्टारबोर्ड। आप लोगों को आपका इंडिकेटर 10 पे रखना है, रडर एंगल इंडिकेटर जैसे ही 10 पे आता है
आप लोगों को रिपोर्ट करना है विल ऑन पोर्ट 10 सर्च। नेक्स्ट है नथिंग टू पोर्ट नथिंग टू स्टारबोर्ड। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी होती है। समटाइम्स क्या होता है एकदम से वोई या फिर फिशिंग बोट वगैरह कुछ आ गया पोर्ट साइड में, उस टाइम पे आप लोगों को बोल दिया जाएगा नथिंग टू पोर्ट, तब आप लोगों को पोर्ट में व्हील नहीं देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वेसल स्टारबोर्ड में स्विंग होते जा रहा हो और आप पोर्ट में व्हील ही नहीं लोगे। आपका जो कोर्स है जैसे 230 कोर्स है तो इट्स ओके, 231 चला जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको 231 तक स्टेडी कर लेना है, उसके बाद और भी नहीं जाना देना है। और ये चीज़ तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इनकेस अगर पोर्ट साइड वेसल स्विंग होना चालू हो रहा है तो आप लोग जितना हो सकता है स्टारबोर्ड में दे दीजिए व्हील, बिकॉज 230 के पोर्ट साइड में नहीं जाना चाहिए। 231 232 रखोगे चलेगा, लेकिन पोर्ट साइड में आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना तो बनता ही है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।